उतनी भी ना तो वो डरावनी है और ना ही वो ज़्यादा मुश्किल है। जैसे आप स्कूटी चलाते हैं एग्जैक्टली वैसे ही बाइक से, बस गियर्स का सिस्टम डिफरेंट है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, करेज होना चाहिए कि आप उसे चलाना चाहते हो कि नहीं, तभी आप उसे चला पाओगे, डर के कुछ नहीं होगा। वेल, ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा मैसेज देता है, ना कि सिर्फ रजौरी डिस्ट्रिक्ट को बस क्योंकि आगे पीछे वाली सारे एरियाज को भी, कि अगर आपके अंदर पैशन है तो यू शुड श्योर कम इन फ्रंट। बाइक का स्टार्टिंग से क्रेज था, तो आई लर्न बाइक ऑन माई ओन, मैंने खुद बाइक सीखी है और क्रेज हमेशा से रहा है। फादर भी आर्मी में थे तो प्रीति दीदी हैं हमारे, तो उनको भी देख के एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रहता है हमेशा से कि हमने बाइक चलानी है। और टफ नहीं है बिल्कुल भी, आपके अगर दिल में आपको इच्छा है कि आपको बाइक चलानी है तो वो चल जाएगी अपने आप ही, हैवी नहीं लगती है, कुछ नहीं लगती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्पोर्ट्स है, तो करना चाहिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है उसकी सेलिब्रेशन जो है ज़िले के अंदर चल रही है, पहले 4-5 फंक्शंस हुए हैं, कल्चरल नाइट हुई एक और 3 मेगा यहाँ कल्चरल शो हुए, उसके अलावा एक ट्रैकिंग का ग्रुप जो है 7 लेक होके आया, आज ये बाइकर्स जो हैं हिमालयन बाइक रैली जो है निकाली जा रही है, इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 40 के करीब हैं, ये सुंदरबनी नौशहरा और कालाकोट से होते हुए शाम को वापस आएंगे। आज इसका मकसद ये था कि यूथ को एंगेज रखना है, यहाँ फेस्टिविटी का माहौल रहे, पीस और डेवलपमेंट में जो यूथ है वो पार्टिसिपेट करे और यहाँ का फुटफॉल बढ़े ताकि टूरिज़्म यहाँ का प्रमोट हो।